राघव जी का बर्थडे देख सकते हैं। हमारे दादाजी हैं जो ये कटवा रहे हैं इसके हाथ पकड़ के, और अम्मा जी हमारी बैठी है, और माधव है और कुल्लू है, और बाकी सब बच्चे देख सकते हैं आप लोग। सब कर रहे हैं इंजॉय केक कटने का, और ये केक मम्मी है मेरी खड़ी हुई, और ये करवाते हैं केक कटिंग। उसके बाद सबको करते हैं केक स्वैप, उसके बाद अपना करते हैं खाना पीना। तो ये देख सकते हैं केक कट गया, ये अपना माधव देखो कैसे जल्दी लगा रहा, अपने मुँह में खा गया, इतना वो है ये चंट, बाबा ने कटवा दिया। ये देखो ये थोड़ा सा खाया इसने, और ये चालू हो जाएगा रोना। ये मुँह हटा लिया इसने, देख सकते हैं। ये आ गए हैं बच्चे जो आए हुए हैं, और ये पूरा मम्मी पापा अम्मा बैठी हूँ उधर, और देख सकते हैं आप लोग ये कुल्लू आ गई, कुल्लू आ गई, और माधव आ गया, और ये यश है। ये इसको गिफ्ट मिला है, देख सकते हैं आप लोग, ये कार मिली है, तो एक गुड्डा मिला है, और भी एक आध दो गिफ्ट होंगे जो इधर रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। बहुत खुश है गिफ्ट मिला इसको, और अपना ये ब्लॉग आपको दिखाने के लिए यही मकसद था हमारा कि आगे का आपने देखा नहीं था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है 16/9/2024, दिन है आज सोमवार, सुबह के बज रहे हैं 9:30, और हम हो चुके हैं रेडी। चलते नीचे करते हैं पूजा पाठ, और पीछे आपने देखा होगा कल के बर्थडे की जो फीट वगैरह में डाल रखी है, और पीछे आपको देखी होगी जो कल लेट हो गया था थोड़ा केक काटने में, तो पीछे मैंने डाल दी थी। तो चलते नीचे करते हैं जो पाठ। नीचे आ चुके हैं, और नाश्ता अपना आ चुका है, पूजा पाठ हमने हो कर ली है, और नाश्ते में आज अपना देख सकते हैं, नाश्ते में अपना बना हुआ है मटर पनीर पूड़ी और सब्जी और चाय। तो मटर पनीर है कल शाम की जो बना था खाना हमारा, देख सकते हैं आप लोग, और करते हैं टेस्ट। आज सुबह की सब्जी है आलू बैंगन की, देख सकते हैं। तो पहले आलू बैंगन ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो गुन्नू नाश्ता कर रही है, मम्मी पीछे नाश्ता कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। और ये अपना टेस्ट हमने करा, काफ़ी अच्छा टेस्ट है सब्ज़ी का। अब आप खाएंगे मटर पनीर, मटर पनीर का भी खा के टेस्ट आपको बताएंगे, क्योंकि ये कल की बनी हुई है तो थोड़ी बची हुई थी, तो मैंने कहा ब्लॉग में डालने के लिए ज़रूरी बनता है, कल ब्लॉग में डाल नहीं पाया था, बर्थडे का ही आपका जो भी था। और ये अपना आ चुकी है मटर पनीर की सब्ज़ी, तो ये अपना आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी टेस्टी है, देख सकते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी भी। और अपना आ चुकी है चाय, क्योंकि दूध आज नहीं लेंगे क्योंकि मन नहीं था। और आ चुके हैं गाड़ी पे, और अपना ऑर्डर आ चुका है, और चलते हैं ऑर्डर पे। और ये देख सकते हैं हमारी पार्किंग ये देख सकते हैं, हमने पार्किंग चेंज कर दी है, और दूसरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब एक बगल वाली थी, उससे बगल वाली में लगा दी हमने, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दिक्कत थी, कीचड़ पीचड़ था। यही पिकअप पे निकल चुके हैं, और चलते हैं अपनी करवाते हैं गाड़ी लोड। अपना जो पहला पिकअप आया हुआ है, अपने को जाना है खजूरी खास से, अपना जाना है 62 नोएडा। तो गाड़ी हो रही है गली के अंदर, देख सकते हैं लोड, गाड़ी करवाते हैं लोड। और ये पार्टी वाला खड़ा हुआ है, और ये बंदे गाड़ रहे हैं माल। गाड़ी लोड करा ली है, पहुँच चुके हैं खजूरी, खजूरी से अपने को सीधा अक्षरधाम होते हुए ही निकलना है। तो 62 जो पड़ता है, काफ़ी पहले पड़ जाता है डॉक्टर 63 से, बहुत पहले पड़ता है। तो ये देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए बंदे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ढोल नगाड़े डीजे वीजे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ देखने पर। और ये पहुँच चुके हैं हम अपना गीता कॉलोनी वाला जो फ्लाईओवर है अपना, उस पर आ चुके हैं, और ये सीधा देख सकते हैं, ये सीधा अपना अक्षरधाम के लिए जा रहा है। ये रोड पूरा NH-24 जिसे हम कहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और आ चुके हैं अपने नए वाले फ्लाईओवर पे जो बना है सहारनपुर एक्सप्रेसवे वाला, उसी पे चल रहे हैं इस टाइम, हम देख सकते हैं आप लोग। और आ चुके हैं NH-24 यूपी के अंदर, एंट्री हमने मार ली है, और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, ज़्यादा दूर नहीं है हमें, देख सकते हैं आप लोग। करते हैं अपना, और उसके बाद चलते हैं, गाड़ाते हैं अपनी गाड़ी को अनलोड। तो पहुंच चुके हैं अपना, गाड़ी हमने अंदर ले ली है, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, इनका कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ ये गार्ड उतरवाएगा माल। तो माल अभी उतरवाते हैं और निकलते हैं, माल उतरना स्टार्ट हो चुका है, और अपना दूसरा पिकअप भी आ चुका है। दूसरा पिकअप जो आया है साइबराबाद से आया है, यहाँ से तो अपना काम होता ही नहीं, आपको जैसे कि पिछले ब्लॉक में भी देखने को मिला हुआ है। तो ये बंदा उतार रहा है माल, और अपना उतरवा के निकलते हैं साइबराबाद। साइबराबाद पहुँचते हैं और करवाते हैं गाड़ी लोड, गाड़ी माल खाली करा के निकल चुके हैं साइबराबाद के लिए। साइबराबाद लगभग 5-6 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं साइबराबाद पहुँचते हैं, पहुँच चुके हैं साइबराबाद, और ये टॉफ़ी के डब्बे हैं। तो साइबराबाद से अपने को जाना है समयपुर बादली के लिए अपनी हो रही है गाड़ी लोड, देख सकते हैं आप लोग, और करवाते हैं लोड, और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी लोड करा ली है और निकल चुके हैं साइबराबाद साइड 4 से,
और शमयपुर बादली लगभग हमें यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और लगभग 30-35 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर का सफ़र है। तो चलते हैं दिल्ली पे, बॉर्डर पार करते हैं, टोल वोल कटवाते हैं। बॉर्डर बॉर्डर पार कर लिया है और टोल वगैरह हमने कटवा के निकल चुके हैं, दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और रास्ता अभी काफ़ी खाली मिला है। आज है गवर्नमेंट छुट्टी, आज नो एंट्री नहीं है। तो अपना पहुंच चुके हैं सादरा वाले फ्लाईओवर पे, देख सकते हैं आप लोग, ये अपना आ चुका है सादरा वाला फ्लाईओवर। आगे थोड़ा सा यू जाके पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग जैसे कि, और ये सीधा अपना यहाँ से पकड़ेंगे वजीराबाद, पहुँच चुके हैं बाईपास। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और बचा है अपना, जो हमें जाना है। ये समयपुर बादली नहीं था, ये भरसवा में पड़ता है, वो समयपुर बादली पड़ती है, तो वहीं अपना उतरेगा माल। तो समयपुर बादली के अंदर एंट्री हमने मान ली है, जो लगता है भरसवा में, तो भरसवा में एंट्री हो गई है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और अंदर जाना है जहाँ अपना उतरेगा माल। तो पहुँचते हैं और अपना उतरवाते हैं माल, पहुँच चुके हैं, माल उतरना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये बंदे उतार रहे हैं माल, माल उतरवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हो चुकी है 5 बज चुके हैं, क्योंकि आज एंट्री तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएंगे, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माल उतरवा दिया है और आ चुके हैं बाईपास मतलब रिंग रोड पे, और चलते हैं अपना जिम, जिम में मारेंगे आज वर्कआउट, आज वर्कआउट है चेस्ट की, तो चेस्ट की वर्कआउट मारेंगे चल के, चलते हैं जिम। जिम से आ चुके हैं, अपनी डाइट वगैरह भी हो चुकी है और ये ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।